रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। पुतिन रूस की स्पुतनिक वी का टीका लगवाएंगे। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के संक्रमण को रोकने के लिए लंदन समेत कई शहरों में टियर 4 प्रतिबंध लगाया गया। टियर 4 सबसे कड़ा प्रतिबंध है, जिसमें जिम, पूल और अवकाश केंद्र बंद रहेंगे। इसराइल में रविवार से तीसरा लॉकडाउन लागू हो गया है। लोगों को अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे तक रहने को कहा गया है। अमेरिका के बॉस्टन में एक डॉक्टर सद्र जादेह को मॉडर्ना की वैक्सीन लगवाने पर गंभीर रिएक्शन हो गया। डॉक्टर को एलर्जी। रविवार से यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर वैक्सीनेशन को दिल छू लेने वाला लम्हा उन्होंने बताया। यूरोपीय देश चेक गणराज्य में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस ने पहला टीका लगाया। फ्रांस में 78 साल के बुजुर्ग और स्पेन में 96 साल की महिला को लगा पहला वैक्सीन। वहीं ऑस्ट्रिया में 84 साल के बुजुर्ग को लगाया गया टीका। इटली में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई। अर्जेंटीना में आज से लगेगा स्पुतनिक वी टीका। रूस ने बनाया है स्पुतनिक वैक्सीन को। ईरान के कोरोना वैक्सीन का पैसा जब्त कर सकता है अमेरिका। राष्ट्रपति रूहानी को सता रहा है इस बात का डर। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।